इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल है जिनकी मास क्या है एम और चार्ज है उस पर क्यू, उसे एक फिक्स्ड पॉइंट से हैंग कर दिया गया है धागे के थ्रू जिसकी लंबाई क्या है एल। अब हमसे पूछा गया कि जब उसे हैंग करोगे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो इक्विलिब्रियम पे जब आएंगे तो उनके बीच की सेपरेशन क्या होगी, ठीक, और दोनों थ्रेड जो है वर्टिकल से स्मॉल एंगल थीटा बना रहे हैं, स्मॉल एंगल थीटा बना रहे हैं, स्मॉल एंगल का भी केन है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। अब मान के चलो ये सीलिंग हो गई और यहां से मैंने दोनों टेनिस बॉल को मैंने लटका दिया, दोनों टेनिस बॉल को यहां से लटका दिया, और थ्रेड वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है वो है थीटा, एंगल कितनी है थीटा, थ्रेड की लेंथ एल एल, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी किस स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में एफ ई और इधर भी एफ ई, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मास इसकी एम है तो नीचे क्या लगेगी एम जी, और इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रही होगी इधर टेंशन, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एंगल कितनी 90 प्लस थीटा, क्लियर, और ये एंगल 90, तो ये वाली एंगल कितनी, ये वाली एंगल हो जाएगी ये थीटा, ये पूरी 180, तो 180 माइनस थीटा, कई बात क्लियर। अब ये बॉल तो इक्विलिब्रियम में है ना दोनों, और उसमें भी सेम फोर्सेस लगेगी, ये लो नीचे mg, इधर टेंशन, सेम एंगल रहेगी 90 प्लस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा, और ये 90, इनके बीच का मुझे सेपरेशन बताना है d। अब इसके लिए सीधी सी बात है लेमिस थ्योरम अप्लाई कर दो, लेमिस थ्योरम के लिए हमें क्या करना है, ये क्या हो जाएगा एफी, एफी अपॉन बचे हुए फोर्सेस के बीच का एंगल टेंशन और एमजी के बीच एंगल, 180 माइनस थीटा क्या हो गया साइन 180 माइनस थीटा, दूसरी फोर्स ले लेते हैं इसमें एमजी, एमजी और बचे हुए फोर्सेस टेंशन और एफी के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, और तीसरी फोर्स है टेंशन और बचे हुए फोर्सेस के बीच की एंगल कितनी 90 साइन 90, हमारा काम तो इतने से ही चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और एमजी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, इसे उठा के इधर ले जाओ, ये हो जाएगा एफी अपॉन एमजी इक्वल टू साइन अपॉन कॉस कितना टेन थीटा। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, एंगल बहुत छोटी है, एंगल बहुत छोटी है तो स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, और थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितनी, उनके बीच का सेपरेशन डी मान लिया तो ये हो गया डी बाय टू बाय हाइपोटेनस एल, कितना आ गया डी बाय 2L, ये क्लियर। अब यहां पे रख लो सारी वैल्यूज ही पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पे सीधा टेन थीटा की जगह ये रख दो ना डी बाय 2L, तो एफ क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर अपॉन एम जी इक्वल टू डी बाय 2L, डी बाय 2L। अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगी 4πε0 बाहर नीचे आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 एम जी डी स्क्वायर इक्वल टू डी बाय 2L, तो d को इधर भेजो 2L को इधर, 2 से इसे काट देते 2 बच गया, ठीक। अब देखो ये कितना हो गया डी क्यूब हो गया उधर जाके, एक डी पहले तक था डी स्क्वायर आया डी क्यूब, उधर आ गया एल क्यू स्क्वायर एल 2πε0 mg, ये इधर बची ठीक, क्यूब है तो यहां से
थ्री हटाओ और यहाँ पे 1/3 कर दो, ये सेपरेशन है दोनों टेनिस बॉल के बीच की, ठीक ना। क्यू स्क्वायर एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ जी कौन सा है? बी ऑप्शन। क्लियर?